हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। एक खिलाड़ी है, टेस्ट खिलाड़ी, जिसकी जो टोपी है ना वो 340,000 अमेरिकी डॉलर में बिकी है, यानी कि करोड़ों रुपए। और सोचिए, आप सोचेंगे ये किसी की टोपी करोड़ों रुपए में कैसे बिक सकती है, क्योंकि भाई साहब आपको बता दूं, ये टोपी किसी आम खिलाड़ी की नहीं थी, ये टोपी थी एक तरीके से कह सकते हैं कि टेस्ट मैचेस के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन की, और उनका नाम है सर डॉन ब्रैडमैन। जी हाँ, उनकी पहली जो बैगी ग्रीन कैप है, जो हरे रंग की होती है, जो उन्होंने पहली बार पहनी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसकी नीलामी हुई है हाल ही में, और उसको ऑस्ट्रेलिया के ही एक व्यवसायी ने खरीदा है, और ये उन्होंने खरीदा है 450,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यानी कि 340,000 अमेरिकी डॉलर। और क्रिकेट की यादगार वस्तु के लिए ये दूसरी अभी तक की सर्वाधिक कीमत है, क्योंकि इससे पहले जो है, जिसके नाम ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है अपनी टोपी सबसे ज़्यादा रुपए में बेचने की, वो रही है शेन वॉन के नाम, जिन्होंने इसी साल 10,07,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में अपनी टोपी को बेचा था, यानी कि लगभग 7,60,000 अमेरिकी डॉलर में अपनी टोपी को उन्होंने नीलाम किया था। ब्रैडमैन ने 20 साल ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है, और इस दौरान 1928 से 48 के बीच 52 टेस्ट मैच खेले, और उन्हें दुनिया का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है, क्योंकि लगभग 100 का उनका एवरेज है, थोड़ा सा कम, 99.94, यानी कि जब भी मैदान पर उतरते थे 100 तो पक्का था उनका, तो इसलिए बहुत बड़े बल्लेबाज हैं वो, इसलिए उनकी जो एक कैप है इतनी महंगी बिकी है, और इतनी तो बिकनी भी चाहिए, खैर इस कैलिबर के वो खिलाड़ी रहे हैं। तो ब्रैडमैन ने उनकी ये कैप खरीदी है और कहा कि सर डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी हैं, वो खेल के मैदान पर हमारे सबसे प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक होने के अलावा सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शामिल हैं, वो ऑस्ट्रेलियाई जज्बे और लचीलेपन की परिभाषा है, इसीलिए उनकी कैप मैंने इतने ज़्यादा रुपयों में खरीदी, यानी कि एक तरीके से वहां तो डॉलर होगा, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, इतने ज्यादा पैसों में खरीदी गई है। तो कैसी लगी ये खबर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।